अपना भाई माननीय सांसद साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा 8 दिन में 20 बजा लिया उड़े। मैं दीपेंद्र हुड्डा का वैसे नाम ना लेता, अगर किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, 100% न्याय मिलना चाहिए, और मन माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। और धरने पर बैठे हैं, उस पर FIR दर्ज होगी, माननीय उच्च न्यायालय में केस चला गया, सबूत न्यायालय के सामने रखे जाएंगे, तो न्यायालय का जो फैसला है उस पर कोई टिप्पणी ना करना तो अच्छा रहेगा। पर मैं अभी बता दूं आप लोगों ने कि इसको राजनीति का खड़ा बनाया जा रहा है। ये पहलवानी तक तो सीमित ठीक था, और FIR दर्ज हो गया, न्याय 100% मिलना चाहिए, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की बेटी है, पर ये राजनीति का खड़ा जो बना दिया ये गलत है। अब मैं वहां अपना भाई माननीय सांसद साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा 8 दिन में 20 बजा लिया उड़े। मैं दीपेंद्र हुड्डा का वैसे नाम ना लेता, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा है पिछले 2008 से और 2022 तक। क्या दीपेंद्र हुड्डा भाई का कर्तव्य ये नहीं बना था कि जब ये बहन बेटी कहें कि शोषण होया है हमारा 2012 में और 2022 तक हमारा शोषण होता आया है, कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, क्या उसकी नॉलेज में ये बात नहीं आनी चाहिए थी? क्या उसको पता नहीं होना चाहिए था? और अगर पता नहीं था तो क्यों पता नहीं था भाई? हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, मौजूद कुश्ती का सबसे बड़ा एक पद मिल जाता तेरे को हरियाणा की तरफ से, क्यों पता नहीं था भाई तेरे को? दीपेंद्र हुड्डा भाई, आप हरियाणा कुश्ती संघ के लगातार 15 साल अध्यक्ष रह चुके हो, 2008 से और 2022 तक, मैं दोबारा बता दूं आप लोगों ने, आज इसने बहन बेटी दी की, पहले मैं गारंटी दूं 15 सेकंड के लिए भी, अगर माननीय दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब MP साहब मैट पे आए हों और उन बहन बेटियां से पूछी गई हो पिछले 15 साल में कि तुम्हारे साथ कोई जाती हो, ये किसी चीज की कोई आवश्यकता हो आप लोगों ने, आज एकदम में बहन बेटी याद आ गई। बहन बेटियां का धरना है, न्याय की बात है, वो अलग विषय हो गया, उसमें माननीय न्यायालय अपनी कोई कार्रवाई करो, कोई की कोई संज्ञान लेगा, वो अलग विषय है। मैं पहलवानों को ये बात बताने देना चाहूं, भाई पहलवानों आप मेरे भाई हो, बहन हो, आपके कंधे पर धरकर बंदूक चलाई जा रही है, आप ये राजनीति का शिकार मत हो। अब कह रहे हैं देवेंद्र भाई, कह रहे हैं कि कोई न वो लखनऊ में कैंप क्यों लगे हैं? अरे भाई साहब, आप लगातार 15 साल से लगातार आप कुश्ती के अध्यक्ष रहे हो हरियाणा के, क्या आपने कहीं WFI में, कहीं भारतीय कुश्ती संघ में, या कहीं साई में, या किसी फेडरेशन को लेटर लिख के दिया कि हरियाणा की बेटियां हैं और हरियाणा में ही कैंप लगेगा उनका? अब आपने लखनऊ भी दूर दिखने लगा, अब आप उनको हरियाणा की बेटी हरियाणा में कैंप क्यों नहीं लगते? अरे भाई, आप 15 साल जब अध्यक्ष थे, आपने कौन सी एप्लीकेशन दी, कदा आपने इसका विरोध कराया? अब आपने हरियाणा की, हरियाणा की बेटी नहीं, देश की बेटी है, राजनीतिक तूल मत दो। कई बार कहते हैं कि बस भूषण सांसद नहीं है भाई, वो गांठाट आदमी है, जहां तक नहीं उसके खिलाफ ना बोल सका। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2012 में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री थे वो उस टाइम, और ये कह रहे हैं कि 2012 से चालू हो गया, 2012 से 2000, अरे जब भूपेंद्र हुड्डा जी 2012 में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सांसद साहब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे और माननीय सांसद भी थे, क्या ब्रजभूषण सिंह से कमजोर थे कि किसी बात में? क्यों नहीं रखी उसके सामने ये बात, मुद्दा उठना चाहिए था, आज क्यों याद आ गया सबके? मैं उन बाण बेटियां ने बिल्कुल गलत नहीं बता रहा, अगर किसी ने खोट कर रखा है, किसी ने गलती कर रखी है, तो उसमें सजा 100% मिलनी चाहिए, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए पहलवाना के में, किसी बाण बेटी की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए।
अब मैं बता दूं बात आपने, जब तक वो बात भी मत भूलो आप, जब ब्रजभूषण शरण में आए बाबरी मस्जिद गिरान में उसका नाम आया, जब बाबरी मस्जिद गेरी में नाम आया, जब तक बड़े हिंदू शेर है, सनातनी धर्म है, सनातनी का शेर है, भारत की शान है, जब तक हिंदू धर्म के बड़े नारे लग गया करते, जितने भी कहा करते भाई कितने मुकदमे लाग जाओ कोई समस्या नहीं है, बाबरी मस्जिद पढ़नी चाहिए, आज उस पर मुकदमे लाग गए, तंत्र मंत्र पर ठाकर ने मुकदमे दिखाने लग रहे हैं, ठीक है गलत ठीक जो भी कराया वो न्यायालय भुगतता का, उस पर 40-50-100 मुकदमे कई भी हैं चाहे, एक तरफ तो आप उसने कुंडा बदमाश बताओ, दूसरी तरफ पप्पू यादव ना अपने धरने बुलाओ, जब पप्पू यादव की जन्म कुंडली खंगाड़ेंगे ना, मैं जानू पप्पू यादव ने उसकी जन्म कुंडली खंगाड़ेंगे तो 2 बोर्ड नहीं 5 बोर्ड भर जाएंगे, 5 बोर्ड, और आप लोग उसने माइक दे के ना ताली बजाओ हो, गलत बात भाई, राजनीति का करामत बनाओ इसमें, आप देश की शान हो, देश की धरोहर हो, अगर किसी बान बेटी के साथ भी गलत हो रहा है तो 100% मैं कड़े शब्द में कहूं कि उसने सजा मिलनी चाहिए हमारी बान बेटी, परिषद राजनीति का करामत बनाओ, पहले उन्होंने हाथ जोड़ो मत हरिया, तुम तब भोले भाई हो, तुम नको ना बिरा तारे कंधे पर बंदूक धर के चलाई जा है, एक भाई आया था वो अपना के नाम है राजस्थान का सांसद था, वो नु कहे हमारी कौम की बेटियां, कौम की बेटियां को ना देश की बेटी है ये मुद्दे ना दूसरे हिसाब तो मत ले जान दे, देश की बेटियां है ये, और मेरे एक बात समझ में आती, आप लोग गाना कौन गाइड कराया बेरा नहीं, हमने भारत सरकार ने कमेटी बनाई, आपने उसको भरोसा नहीं कराया, एचओ ने कमेटी बनाई, आपने उसको भरोसा नहीं कराया, क्या जो आज इसमें बेच सकते कोई दोहराए नहीं कि जो तो धरने बैठे हमारे देश का गौरव देश की बेटियां हैं, क्या मैरी कॉम देश की बेटी नहीं, 7 बार वर्ल्ड चैंपियन, क्या उड़न परी के नाम से जाने जा रही हमारी बहन पीटी उषा हमारे देश का गौरव नहीं, क्या बबीता फोगाट देश का गौरव नहीं, देश की बेटी नहीं, योगेश दत्त देश का बेटा नहीं, जो वे रिपोर्ट सौंपे हैं आपने उन पर भरोसा नहीं, क्या वे देश की बेटियां की बेइज्जती नहीं होती, वे भी देश की बेटी है, वे भी मेडल ले रही है, जितने खेल में जितने सर्वाधिक पुरस्कार हुए जो बड़े से बड़े पुरस्कार हुए सारे उन्हें मिल रहे हैं, वे देश की बेटी नहीं, वे तरह दर्द नहीं समझ सकती, अगर उन पर भी शक, बबीता ने कल एक बात कही थी, ट्वीट भी आया था, बबीता ने एक बात कही थी कि भाई आप लोग का कही कि भाई अब राजनीतिकरण हो गया है, जो खेल का मुद्दा नहीं रहा राजनीतिकरण हो गया है, आप लोग का नवा धमका के भेज दी करा, जो आपने ठीक बात कह दी है क्यों उसके किनारा करो, आप इस राजनीति की दलदल में फंसते जाने लग रहे हो भाई, ये अच्छी बात नहीं है, देश में आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और एक वो 2023 और 2024 आप लोगों के लिए भी देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2023 में अभी एशियन गेम है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब समझ रहे हो ना आप, ओलंपिक का टिकट मिल लगा उधर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप देखो इस बात को, आपका बड़प्पन है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है आपने इस बात का मुद्दा उठाया, 100% उठाना भी चाहिए था, उठाया और आप लोगों ने FIR दर्ज भी कराई और माननीय न्यायालय में वो मामला चलेगा, एक वो खुजली वाला बाबा, वो खांसी वाला बाबा खिजली वाला, वो इनको है एतवार न तो ज्यादा संख्या में आदमी आ जाओ, क्यों भाई वो इन पहलवाना ने वो न्यू क्यों कहता भाई, अगर किसी ने गलत कराया है उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, आप लोगों की देश ने जरूर बहुत ज्यादा जरूरत है देश ने आपकी, आप अपनी मेहनत करो, एशियनशिप आने वाली है, चैंपियनशिप आने वाली है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है, पूरे देश के लिए तुम नोट भी मेडल देने हैं, और वहां बैठा कर आप घने आदमी ने बुला कर सब ना आओ करके ना आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप क्या दिखाना चाह रहे हो केजरीवाल साहब, आप माननीय न्यायालय पर प्रेशर डालना चाह रहे हो क्या, देश के सबसे बड़े कोर्ट में ये बात पहुंच गई है, आप चाहे 5 लाख आदमी धरने बैठ जाओ, चाहे 5 आदमी बैठ जाओ, चाहे 1 भी मत बैठो, आपने अभी अपने सबूत जिस गिला साथ गलत हो रहा है उसने अपने सबूत इकट्ठे करके न्यायालय में दे देने चाहिए, जो दोषी को सजा मिलेगी, उस पर बैठ घने मानसन इकट्ठे करके करोगे कहीं, मेरे समझ बात ना आती, क्यों राजनीतिकरण चल रहा है, ये राजनीतिकरण भाई कति बंद कर दो, 100% बंद होने चाहिए, और मैं यह पहलवाना था
एक उम्मीद करूँ कि भाई इस राजनीति की दलदल में मत फंसो। आप मेरे भोले भाई हो, भोली बहने हो, आप लोगों को पता नहीं है ये राजनीतिकरण होता जान लग रहा है। देश में आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आप वापस आओ, अपनी परवानी करो और देश को मेडल दो। और कई भाई अपनी भी कहेंगे जो कई बीजेपी का है, फलाना है, मकड़ा है, ढकड़ा है। आप लोगों ने एक बात बता दूं, मेरी पाछली लाइव देख लियो, मौजूदा सांसद हैं उसके खिलाफ बाण बेटी के बारे में उसने गलत कहा था, बीजेपी सांसद के खिलाफ सबसे पहले आवाज मैंने उठाई थी। पार्टी का इसमें कोई विषय नहीं है। अरे और मैं कई बार कमेंट पढ़ दूं कि समस्या कर रहे हैं, उड़े तो बाण बेटी की जत्ती बैठे हैं और उड़ा ना तो बाण बेटियां की गाल बको कमेंट में, यह शिक्षा है। चलो आप लोगों ने विशद बुद्धि दे भाई भगवान। और भाई पहलवानों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी बबीता ते भी बजरंग भाई है अपना, साक्षी छोटी ही मेरे साथ पहलवानी भी कराया थी जब हम, सब तरह रिक्वेस्ट है कि राजनीतिकरण की मत फंसो, देश का गौरव भाव आप लोग। और ये जो जाकर ना थर्ड रोड बैठे हैं ना, तुम न पुचका रहे हैं, एक बार न्यू सोचियो बैठ कर कि जब थारी मेडल आया करते कोई घर का आपका सर पुचकार का अपना शाबाशी देने आया, केजरीवाल आया हो, एक यूपी दरा केस टकैत आया हो, बैनीवाल आया हो, और कुछ आया हो, कोई भी आया हो, चाहे कोई संस्था हो, कोई भी हो, आपका सर पुचकार आए कि हाँ भाई देश का गौरव है, सरकू ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, इसलिए जंतर मंत्र पादन आपके साथ बैठ गए। तो भाई राजनीतिकरण से दूर हो जाओ, आपकी बात जो है वो ठीक है, जायज है, कदर गलत हो जाए तो मान लिया आपकी सारी बात, पर राजनीति के चक्कर में मत उलझो भाई। अब कई भाई कह रहे हैं कि मोदी जी को ना बोलता, मोदी जी को ना बोलता। अरे मोदी जी कितना बोला, मोदी जी की तो कबर खोदने लग रही है उड़े, और हमारे पास उन्होंने बेरा नहीं उड़ा। जेएनयू के नारे लागे हैं, जो जेएनयू में क्या कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोदी तेरी कबर खोदेगी। मोदी का कसूर है, मोदी ने कर लिया शोषण, अरे योगी ने कर लिया। एक पप्पू यादव बैठ के नहीं बता रहा हूं, तेरा गोटिया थी क्या सुहा करते, बताऊं तेरे बारे में मैं कितना बड़ा बाहू बोलिए, तू जाना ना मना, बताऊं तेरी हकीकत, तेरा गोटिया थी क्या सु पढ़े थे जीव, ये तो योगी जी की नकल तारा है। मैं पक्षधर नहीं हूं किसी का भी, मेरा मतलब ये हो गया अगर पहलवाना के धरने मारे तो पहलवाना की बात करो, उनके हक की बात करो, किसे नारे लाने लग रही है ये, मोदी तेरी कबर खोदेगी। एक भाई मारा मानिए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे बोला मोदी जी ने बोलना चाहिए, अरे भाई साहब मोदी जी ने तो बोलना चाहिए 100%, पर मोदी जी की कबर खोदन लग रही है। मोदी जी लोग मोदी जी दूर चाहिए पी में सारे पहलवान बैठ कर, हमारी बाण विनेश भाई या बेबे साक्षी बजन पुनिया और सारे, ये सारे चाह पर जान लग रहे, सब इनके ट्वीट पर बात करने लग रहे, सारे काम करने लग रहे। ये वो ब्रजभूषण शरण था, चलो दबंग था, मोदी जी तो भी दबंग था, बताइए कौन उठा गए, दूध का दूध पानी का एक मिनट में कर देता। मारा देवेंद्र भाई उड़ा है किस चीज में कम था, ईसा कभी को ना बताई, बतानी चाहिए ईसा के, अरे ईसा क्या हो गया भाई इसका, ये देश की बाण बेटी दिखने लगी जब ना दिखी, कुर्सी पर तय उतरे देवेंद्र उड़ा ना 8 महीने हुए, मात्र 8 महीने, 8 महीने में इसने लखनऊ दूर भी दिख गया, अरे भी कह के हरियाणा में क्यों ना होती ट्रायल, हरियाणा में कैंप क्यों ना लगते, कि कौन सी एप्लीकेशन थी भाई, हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष होने के नाते किस एप्लीकेशन थी, 2008-2022 तक की मेरी गारंटी है, अगर एक एप्लीकेशन भी लिख कर दी होता कि हरियाणा की बेटी हरियाणा मेरे नीचे है, एक बार भी कोई एप्लीकेशन दी हो, आप एक भी किसी नेशनल में गए हो, आपने एक भी ट्रायल कभी किसी पहलवान की देखी हो, अभी पहलवाना की याद आ गई आपने, आप पहलवाना का गौरव, कोई नेशनल कराया पिछले 15 साल में, पिछले 15 साल में हरियाणा ने एक भी नेशनल नहीं कराया, जहां तो बंकरी है दीपेंद्र की फेडरेशन या एसोसिएशन, और हमने मात्र 7 महीने में 8 महीने में बनती है 5 नेशनल दे दिए हिंदुस्तान को, 5 नेशनल भाई, विषय ये नहीं है, विषय ये अगर पहलवाना के धरने में जाओ तो पहलवाना की ही बात होनी चाहिए वहां, पहलवानों के हक की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैं हाथ जोड़कर विनती करूं अपने भाइयों थे पहलवाना थे कि न्याय 100% मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पर राजनीति से दूर।
जल्दी से मारे भाई जान गया से मजमा हुए, पहलवाना कश्य मजमा हुए, मारी बहन बेटियां कश्य मजमा हुए। यही भगवान से प्रार्थना करूँ हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।